अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, देखने वालों को आया सोफिया से हम सब का सलाम। मैं और नुमान भाई रात को आया सोफिया और उसके साथ मुल्हिका मस्जिद ब्लू मास्क, ठीक है, घूम रहे हैं। तो प्रोग्राम बन गया कि थोड़ी सी वीडियो बनाएं। तो क्या तसरात हैं आपके नुमान भाई तुर्की के बारे में? अस्सलामुअलैकुम, अभी तक तो तुर्की का ट्रिप माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। ज़रा कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है मास्क की, वो थोड़ा तंग कर रही हैं। तो आज 10 दिन हो गए हमने मास्क लगाया हुआ है, काफ़ी तंग है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा इम्तिजाज है वेस्ट का और ईस्ट का। हाँ नुमान भाई, बिल्कुल आपने यूरोप देखा हुआ है तो आपको तो खूबी बखूबी पता है। ये बिल्कुल मिक्स है यूरोप का और मुसलमान दुनिया का। ये जी एक छलियों की दुकानें जगह जगह लगी होती हैं, ठीक है, ये आपको जगह जगह मिलेंगे, ठीक है। और ये सिक्योरिटी की हर जगह पे इन्होंने लगाए हुए हैं बैरियर। स्टार्ट में भी, अब जब अंदर आए थे तो तब भी था, यहाँ से भी जाएंगे ना अंदर तो तब भी होगा। अच्छा जी, ये यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मस्जिद की ये मेन दरवाज़ा है। और अच्छा, ये दोबारा मस्जिद बना दी गई है, तकरीबन 100 साल तक ये म्यूज़ियम रहा है और 2020 में तेज बरदवान ने इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया, जिसका बड़ी दुनिया में है बताया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हमें ये बड़ा एडवांटेज है, हम जहाँ जाते हैं मैं और नुमान भाई, तो हमें, मुझे तो ख़ास तौर पे कोई भी देखता है, ठीक है, तो वो सलाम कहता है, क्योंकि मैंने दाढ़ी रखी हुई है तो सुनते नबी, तो इस वजह से। अच्छा जी, ये कोई पेड़ भी है, इसमें देखें आपको फल नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये सेब का पेड़ है, ये लगा हुआ है जनाब, इसमें फुल फल लगे हुए हैं। तो यह दिखाना मकसूद ये था कि ये एंट्रेंस है और ये इसकी बड़ी तरी है जी, ठीक है, ये सारे पार्ट्स वही पुराने, ठीक है, पड़े हुए हैं उसी ज़माने के। मैं कोशिश करता हूँ आपको करीब से दिखाऊं। तो इसके बाद मेरी गुजारिश है आप सब से कि जो भी तुर्की आए हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार पे ज़रूर लगाए, आया सोफिया भी ज़रूर आए, ठीक है, ये भी एक तारीखी जगह है। तो ये वुज़ू करने की जगह है जी, ठीक है, तो हम इधर वुज़ू करेंगे इंशाल्लाह अभी, क्योंकि वुज़ू घर से करके नहीं थे आए, इसलिए नहीं थे करके। इसकी टिकट होती थी जी पहले, वो एंट्रीस है तो इसकी टिकट होती थी। नुमान भाई वुज़ू कर रहे हैं, ठीक है, और मैं भी वुज़ू कर लूँ तो फिर इधर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो वुज़ू कर लिया गया तो अब हम अंदर जा रहे हैं। अच्छा जी, इसकी तारीख इस तरह है कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातह ने जब इसको फ़तह किया था 1400 समथिंग में, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, 1453 में जब फतह किया था सुल्तान फ़ातह ने, तो उसने साथ ही इसको मस्जिद बना लिया था, ठीक है। अच्छा जी, इधर डिडक्शन है, ठीक है, ये देख लें, याद रखिएगा ये मस्जिद है, इसलिए पूरा कवर होंगे, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, ठीक है, जो पूरा कवर होंगे तो आप अंदर जा सकते हैं, वरना आप अंदर नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है। अभी आपको ये दीवारें रात को दिखाने का मकसद ये है, दिन को रश बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा रश है कि दिन को मुमकिन नहीं था इसकी वीडियो आराम से बनाना, मुश्किल काम है, लाइनें लगी होती हैं और सिक्योरिटी वाले बंदे भी आपको रोक रहे होते हैं। तो जी, ये इसका एंट्रेंस है, ये देखें, ये एंट्रेंस है और ये है जी
जो ये मस्जिद है, लेकिन वो पुराने आपको नज़र आ रहा है इनका, ठीक है, इनकी वाकई। अच्छा जी, यहाँ से जब आप एंटर हों तो आपको नज़र आएगा कि ये, और इसकी दीवारें, और आप सोचें कि इतने हज़ार साल बाद भी, ठीक है, इसका ये छत है जी, तो वीडियो को बाद में इसको एडिट करके शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये है, ठीक है, इंग्लिश में भी ट्री है। अच्छा जी, ये है जी मशहूर जगह जहाँ से अब आप एंटर हो रहे हैं, और ये सुल्तान फ़ातह मस्जिद आया सोफिया के जो अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी, इधर हर जगह पे शूज़ का इंतज़ाम है, आप अपने जूते रख सकते हैं, ठीक है। और ये दरवाजे हैं इसके पुराने, तो बाद में आपको मस्जिद के अंदर भी ले के जाते हैं। अभी तो आप देखें, ये मस्जिद बनने से पहले, ठीक है, ये ईसाइयों के लिए बड़ी मुकद्दस जगह थी, ठीक है। तो इसके पिलर से ये उसका दफ्तर कह लें या उसका ऑफिस वो होता था। तो इसी तरह फिर बाकियात सारी मौजूद हैं, और माशाल्लाह जी मुसलमानों ने जो इस पे किया है, हुक्मरानी की है, ठीक है। ये लेडीज़ के लिए उस तरफ जूतों का इंतज़ाम है, और जेंट्स के लिए इस तरफ, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, पहले बाहर बाहर का हिस्सा दिखा देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको अंदर लेके जाएंगे। आपको हर जगह हमें जाने की इजाज़त नहीं है, पाबंदी होती है, ठीक है। तो ये इन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं, अभी देखे दिन को आते तो आगे नहीं जा सकते थे, ठीक है, लेकिन रात का टाइम है तो कोई भी नहीं है, तो हम आगे आ गए, वरना इधर मुश्किल हो जाता है। ये उन्होंने उस ज़माने का आज भी संभाल के रखा हुआ, और क्या ही बात है जी इसकी, इसकी दीवारों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, इसके दरवाज़े से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये कितनी माशाल्लाह कदीम है। इसके साथ, ठीक है जी, वो देख लें जी, सिक्योरिटी वाला आ गए हैं, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया कि आप लोग कैसे अंदर आ गए, वही कहना कि इधर आने नहीं देते, हमें खुशकिस्मती है, ठीक है, हमने वो देख लिया अंदर जाके। यहाँ पे ये सारी तारीख लिखी हुई है इन्होंने, तो ये आपको मैं इंग्लिश वाली दिखाता हूँ, ठीक है, सारी लैंग्वेज में है। ये अब जो कानून इन्होंने बनाया है तुर्की वालों ने, उसकी है, ठीक है, और इसमें सारा इंग्लिश में वो तहरीर है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। तो आपको थोड़ा सा बाहर का दिखाते हैं, तो अभी हम आपको बाहर लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये है जी इनका, कुछ पीसीस बड़े हुए हैं इधर उस ज़माने के, और काफ़ी हैं, ठीक है। ये पुराने वो वाले, उनकी शनाख्त पड़ी हुई है। और आपको इधर से भी मस्जिद का दिखाते हैं, ये मस्जिद के ऊपर सतून है, और ये मीनार है मस्जिद के जी, ठीक है।
अब हम कोशिश करते हैं कि जी आपको अंदर ले जाए। जूते रखने के बाद तो ये इनका एंट्रेंस है। ये पुराना ज़माने का पैदल चलने वालों की वजह से सारे का सारा। तो अभी नुमान भाई को कैमरा पकड़ाते हैं ताकि वो मेरी एंट्रेंस की वीडियो बनाए। ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आइया सोफिया की सैर करवाते हैं, दिखाते हैं मस्जिद। और ये सबसे पुरानी मस्जिद है आइया सोफिया, जो मुसलमानों ने लड़के और छीन के ली थी। ठीक है। और इसकी एक तरीह है बड़ी ज़बरदस्त। तो पहले आपको विज़िट कराते हैं, तो बाद में आपको इसकी तरीह के मतलब भी बताएंगे। अच्छा जी, एंट्रेंस होते साथ ही ये आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है जी, लेकिन छोटी वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता इसको। अच्छा जी, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा इंतहा की। ठीक है जी, इधर फैमिलीज़ आती हैं। तो ये छोटी छोटी बालकोनियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं, ये बनाई गई हुई हैं, ये मौजूद नहीं थी पहले छोटी जी यहाँ। लेकिन आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे जो पहले से मौजूद थी पहले से। ठीक है, आप देखें ख़वातीनों हज़रात बैठे होते हैं इधर, ख़ास तौर पर हस्बैंड वाइफ इधर आई होती हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। हमने सर्वे किया है कि बहुत ज़्यादा तादाद में। अच्छा जी, यहाँ ये लेडीज़ के लिए लिखा हुआ है कि लेडीज़ इस तरफ सिर्फ जा सकती हैं, हम नहीं जा सकते इस तरफ। लेकिन यहाँ तक आपको ये दिखाते देते हैं, ये एक तरीही चश्मा है जहाँ आप वज़ू कर सकते थे, उधर से गर्म पानी। और ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे सुराख थे इधर, ये बंद कर दिए हुए हैं। ठीक है, ये सुराखों को बंद कर दिया हुआ है। तो अभी आपको मैं फिर दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ ऊपर से दिखाने की। जी माशाल्लाह। जी तो दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा जी, किसी अगर गैर मुस्लिम ने भी आना तो आ सकता है, लेकिन वो अपना सर कवर करेगा। ठीक है, वो कवर करेगा पूरा तो फिर ही आ सकता है। अच्छा, तो ये देखें आपको माशाल्लाह जी, इधर ये सबसे बड़ा फनूस है। तो ये जी पहले से ये आपको इन्फॉर्मेशन अगर कोई चाहिए तो उन्होंने रखी हुई है इधर। ठीक है, यहाँ आपके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के उन्होंने पंफलेट रखे हुए हैं सारे। ठीक है, इसकी मुतलका किताबें हैं, पंफलेट हैं। ठीक है, तो आप इन्फॉर्मेशन सारी ले सकते हैं इधर से। तो ये वाली जो जगह है इसके ऊपर, ठीक है, बैठा जा सकता है। बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो इससे पहले कि हमारी बैटरी जवाब दे जाए। अच्छा जी, ये बीच में कुछ जगह है, हमें नहीं पता, इन्होंने मना किया हुआ है जाने का। ठीक है, तो अभी हम नवाफल अदा करेंगे और इशा की नमाज पढ़ने वाली है। ठीक है, तो पहले नवाफल अदा करते हैं मस्जिद के, फिर उसके बाद है। तो माशाल्लाह, इधर आपको मेरी रेकमेंड है कि आप लोग आएंगे। अच्छा जी, इस जगह से आगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, मुसलमान और सिर्फ मर्द, ठीक है, वो जा सकता है। उसकी वजह
उसकी वजह यह है कि ये मस्जिद का हिस्सा है, वक्फ है, यहाँ नमाजी हैं, यहाँ खुतबा दिया जाता है, जो तैयब उर्दगान ने अभी भी आपने वीडियोज़ में देखा होगा, ठीक है। और ये जी वो बालकोनीज़ हैं जहाँ, ठीक है, लगता है कि ये होगा इनका, तो जाहिर बात है ये कन्वर्ट की गई थी मस्जिद फतेह करके, तो बादशाह का दरबार, ठीक है जी, इधर लगता था रात को आगे जा सकते थे, आज इन्होंने बंद किया हुआ है, ठीक है, कल रात को आगे तक जा सकते थे, तो इधर बादशाह का दरबार होता होगा। और माशाल्लाह जी कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और नमाजी हैं, काफ़ी नमाजी हैं, तो इस वजह से ये आपको एक व्यू दिखाते हैं पीछे का, ये सारे चल के ऊपर, मेरा ख्याल है कि यहाँ रिहायशी होती होंगी, ठीक है, उस ज़माने में तो ऊपर जाने की इजाज़त तो नहीं है, ठीक है, जहाँ तक है हमको तो हमने आपको दिखाया। अभी फिर मैं नुमान भाई को देता हूँ फ़ोन, कोशिश करते हैं इधर, अभी हम इधर ही रहेंगे अब, ठीक है। और बैटरी मेरी बिल्कुल जवाब दे गई है, क्योंकि हम ज़रा टाइम के निकले हुए हैं, तो बैटरी बिल्कुल हमारी जवाब दे गई अब, तो जहाँ तक बन सकती है। ये वो मिंबर है, ठीक है, ये देखे ना, सिक्योरिटी के बंदे हर जगह पे होते हैं, ये सिक्योरिटी के बंदे हर जगह पे होते हैं। Thank you.